अंडर 16 मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का क्लब कैंप चल रहा था। ऐसे बच्चे जो 21 बच्चे 22 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जिनको महीने भर का कैंप मिलता है होलकर स्टेडियम में, ये वो लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से आए, अलग अलग डिविजन से आए और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सबसे बेहतर खिलाड़ी। उनका महीने भर का कैंप चल रहा था होलकर स्टेडियम में और उनके डे वन से लेकर तो डे 29 तक की पूरी रिकॉर्डिंग होती है उनकी एक एक चीज की। पूरे टी शर्ट उठा कर उनकी जब बॉलिंग कराई जाती है तो कैसी आप घूम रही है, कौन सी नस कैसी चल रही है, एक एक चीज पूरा फिजियो लगे होते हैं वहां पर, पूरी टीम लगी होती है। एक एक खिलाड़ी पर कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा किया जाता है केवल एक महीने में, ठीक है। और आखिरी दिन पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि आपने पिछले एक महीने में क्या क्या किया था और आपकी क्या क्या चीजें इम्प्रूव की है, क्या क्या चीजें आपकी इम्प्रूव हुई ये बताया जा रहा था। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हो रहा था तो बच्चे तैयारी हो जा रहे थे, प्रेपिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश का सबसे फास्ट बॉलर जो कि अंडर 16 एज ग्रुप में 135-140 की स्पीड से बॉल डालता था, चंबल का खिलाड़ी था, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी चंबल से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब वो ताली बजाई जा रही थी तो उसने किसी एक पर्टिकुलर उस बच्चे को वो 2-3 बार समझाया गया कि ताली 2-3 बार बजाकर बंद कर देना। वो लगातार ताली बजाता रहा, वो माना नहीं। उसको जब टोका भी गया 2-3 बार वहां के कोचेस के द्वारा, वो नहीं माना। फाइनली क्या हुआ, उसको टीम से बाहर कर दिया। तो सबसे बेहतर बॉलर था मध्य प्रदेश की टीम का, उसको बाहर कर दिया। तो आप अपना डिसिप्लिन बताइए, ये बहुत जरूरी होता है, इट इज एसेंशियल, हाईली एसेंशियल। और बता देता हूं मैं अभी आपको, अभी अंडर 16 में मध्य प्रदेश की टीम फाइनल हार कर आई थी। फाइनल मैच में पंजाब से हारे हैं, ठीक है। एमपी ये अंडर 16 हार चुके थे, उसमें से 4 खिलाड़ियों का अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। एक खिलाड़ी आपके स्कूल का आपको मालूम है, ठीक है। 4 खिलाड़ियों का मध्य किस में सिलेक्शन हुआ, 19 में। उन 4 खिलाड़ियों को अंडर 19 के बाकी प्लेयर्स के साथ साथ में होलकर स्टेडियम में बुलाया गया। एक एक बॉल 3-3 हजार रुपए की बॉल आती है, उनको जिस बॉल से खिलाया जाता है, दैट वन बॉल कॉस्ट 3,000 रुपीज। तो वहां पर जो बॉल लगी थी वहां बॉलों का बिल्कुल ढेर लगा होता है, तो बॉल कुछ बच्चों ने कुछ चुरा ली, मस्ती में चुरा ली, पहले भी चुराई जाती रहती होगी, कुछ बच्चों ने कुछ बॉल चुरा ली, उनको मालूम पड़ा क्या गया, ये तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा, उन्होंने फिर और बॉल चुरा ली, फिर उनको मालूम पड़ा कि कुछ नहीं हो रहा तो कुछ और बॉल, ऐसा कर करके 80-90 बॉल चुरा ली। अब नजर पड़ी वहां के कोचेस की, और एमपी के कोच कौन, जो मध्य प्रदेश टीम के आपको मालूम होगा शायद से, चंद्रकांत पंडित सर, जिन्होंने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जितवाई, चंदू सर नाम चलता है, मनल चौधरी, ठीक है, अभी केकेआर में भी वही कोच बने, आईपीएल को बहुत आप लोग फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो चार खिलाड़ी लिए गए थे, और उसमें से कैप्टन कौन था, अगेन वो भी चंबल से था, मनल चौधरी, क्योंकि एमपी की टीम फाइनल हार के आई थी, तो हर खिलाड़ी को लगभग 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे थे, और वो फाइनल का कैप्टन था इसलिए उसको तकरीबन 3.5 लाख रुपए मिल रहे थे, और उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था इसलिए उसको 4.5 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है। तो मालूम पड़ा इसका लीडर कौन बहुत चुराने वालों में, मनल चौधरी को जो है वो अंडर 19 से घर वापस भेज दिया गया, घर से घरपस को, जो एमपी में इतने लेवल पे आ चुका है कि अंडर 19 में हो सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडर 19 जो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है उसमें वो एमपी की टीम में आ जाए। आपको मालूम हो तो अभी एमपी की टीम का कैप्टन जो बन रहा था सौम्य पांडे, वो मध्य प्रदेश का ही था, उसने खुद ने कैप्टनशिप विथड्रॉ करी, उसने रिफ्यूज करी कि मैं कैप्टनशिप नहीं लूंगा, तो जाकर दूसरे कैप्टन मिला, आपको मालूम होगा शायद से, वो यूपी का लड़का था मुरादाबाद का जिसको कैप्टनशिप मिली है, उसको 4.5 लाख रुपए मिल रहे थे मनल चौधरी को, उसको एमपी की टीम से बाहर कर दिया गया, और जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस का 1.5 लाख रुपए मिल रहा था उसको, वो भी उससे ले दिया गया, दूसरे बंदे को दिया गया।